दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी भी सरकारी बैंक में या फिर किसी निजी बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर आप एक फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या एक से ज़्यादा अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बिकॉज आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कितने की फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर लिमिट रखी गई है। इसी के साथ यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं एक लिमिट से ज्यादा तो यहां पर कब आपको इनकम टैक्स द्वारा नोटिस आ सकता है। दोस्तों, यहां पर इनकम टैक्स के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर आपको नोटिस आ जाता है, अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट होती है बैंक के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो उसमें आपको क्या करना होगा। इसी के साथ दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे कि यहां पर RBI द्वारा क्या रूल चेंज किया गया है फिक्स डिपॉजिट को लेकर। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो यहां पर कोई डिडक्शन एग्जम यहां पर आपको इनकम टैक्स के अंदर अलाउड किया जाता है या नहीं किया जाता, उस बारे में भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ दोस्तों यहां पर जो भी ब्याज आपको फिक्स डिपॉजिट पर मिलना है उस पर टैक्स आपको कैसे बचाना है, इस बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड सभी बातें यानी सभी समस्या जो भी आपकी समस्या होगी उन सभी को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि कितने की फिक्स डिपॉजिट करवाएं या फिक्स डिपॉजिट अगर इतने लिमिट से ज्यादा अगर करवाते हैं तो नोटिस ना आए आपका, तो यह सब बातों का बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर तो किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहां पर यह जान लेते हैं कि यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर क्या लिमिट रखी गई है, इनकम टैक्स द्वारा यहां पर क्या लिमिट जो है वो फिक्स डिपॉजिट के लिए दी गई है। तो यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर, दोस्तों यहां पर सिंगल बैंक की हम बात करेंगे या सिंगल पोस्ट ऑफिस की हम बात करेंगे, अगर एक बैंक के अंदर अगर आपने एक से ज्यादा की अगर फिक्स डिपॉजिट करी है, आपने दो करी है या चार करी है, यहां पर ध्यान रखिएगा पूरे साल के अंदर, पूरे साल का महीना यहां पर फाइनेंशियल ईयर माना जाता है अप्रैल महीने से लेकर मार्च महीने तक, यानी अगर आपने 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के बीच के अंदर अगर 10 लाख से ज्यादा की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यानी पूरे साल के अंदर अगर आप 10 लाख या उससे ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक के अंदर, चाहे आपने एक डिपॉजिट करिए एक से ज्यादा की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा जो भी बैंक है जो भी पोस्ट ऑफिस है वो यहां पर आपकी जानकारी दे देगी आपके खातों की, जो भी आपने फिक्स डिपॉजिट उनमें होल्ड करके रखे उन सभी के बारे में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी की पूरी जानकारी दे देगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर इनकम टैक्स के अंदर 10 लाख की लिमिट रखी गई है, यानी एक साल के अंदर अगर आप 10 लाख से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक के अंदर या किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर, निधि कंपनी के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, NBFC के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर अगर आप कोऑपरेटिव बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट क्यों ना करते हो, तो यहां पर एक बैंक, एक कोऑपरेटिव बैंक, एक निधि कंपनी, एक NBFC अगर इसके अंदर 10 लाख से ज्यादा की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपकी सीधी सीधी जानकारी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आप इनकम टैक्स की नोटिस से बचना चाहते हैं तो 10 लाख से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट आप ना करवाएं। दोस्तों आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहां पर आप इनकम टैक्स की नोटिस से बच सकते हैं या फिर आपको नोटिस कब जो है वो यहां पर आ जाएगी, एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा समझाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहां पर आपने SBI बैंक के अंदर आपने फिक्स डिपॉजिट करवा के रखी है 12 लाख रुपए की। तो दोस्तों यहां पर आपकी लिमिट जो है वो 10 लाख से ज्यादा क्रॉस हो चुकी है, जिस वजह से यहां पर SBI बैंक जो है वो यहां पर आपके रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर नोटिस भेज सकता है। दोस्तों अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लोग यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर SBI बैंक के अंदर 2 FD खुलवा देंगे 6-6 लाख रुपए की, तो यहां पर 10 लाख से कम है तो हमारी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपने एक बैंक, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि सिंगल बैंक के अंदर अगर आप 10 लाख से ज्यादा की अगर फिक्स डिपॉजिट करते तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो यहां पर आपने मल्टीपल कितने भी फिक्स डिपॉजिट क्यों ना करवाए, आपने एक डिपॉजिट करवाई, दो डिपॉजिट करवाई, यहां पर अगर आपकी लिमिट 10 लाख से ज्यादा है तो सीधे सीधे आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी।
दोस्तों आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो यहां पर अगर आपने एसबीआई बैंक के अंदर पिछले साल यानी 2021 के अंदर आपने यहां पर 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवाई है, अब 2022 के अंदर भी आपने 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवाई है, तो दोस्तों इस केस में यहां पर आपकी जो एफडी जो हो जाएगी क्लोजिंग डेट पर 20 लाख की हो जाएगी, दोनों एफडी मिलाकर मल्टीपल एफडी तो 20 लाख की हो जाएगी, लेकिन यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि यहां पर जब रिन्यूअल की जो एफडी होती है, जो ऑटो रिन्यूअल होती है, आप रिन्यूअल अगर करवाते फिक्स डिपॉजिट को, उसको काउंट नहीं किया जाता। यानी आप एक फाइनेंशियल ईयर में, हमने आपको बताया था कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख से ज्यादा क्रॉस करते हैं तभी यहां पर आपकी रिपोर्टिंग होगी। अगर आपकी कोई रिन्यूअल एफडी है, इसके साथ आपने यहां पर आपकी नई एफडी है, अगर नई एफडी अगर 10 लाख से ज्यादा क्रॉस होती है तो उसी केस में यहां पर आपकी रिपोर्टिंग होगी, रिन्यूअल केस के अंदर यहां पर रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई एफडी अगर आपकी रिन्यू हो रही है तो उस केस में उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो यहां पर मान के चलते हैं, यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपने 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवा दी, और आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवा दी, और यहां पर आपने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवा दी। तो दोस्तों एक साल के अंदर आपने 15 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवा दी, लेकिन यहां पर आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगी, कोई भी रिपोर्टिंग यहां पर बैंक नहीं करेगा, क्योंकि तीनों ही बैंक की इंडिविजुअल लिमिट 10-10 लाख रुपए है और तीनों ही यहां पर आपने 5-5 लाख की करवाई है, तो उस केस में यहां पर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होनी है। बट अगर आपने तीनों बैंक के अंदर यहां पर 12-12 लाख की अगर फिक्स डिपॉजिट करवा दी होती तो तीनों ही बैंक यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर देती। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर बैंक पर पोस्ट ऑफिस पर यहां पर जो है लिमिट दी गई है 10 लाख रुपए की, यानी किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप 10 लाख तक करते हैं तो यहां पर आपकी कोई यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी, किसी बैंक के अंदर अगर आप करते हैं तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। दोस्तों आ जाते हैं अब यहां पर बात कर लेते हैं, अगर इनकम टैक्स द्वारा अगर आपको नोटिस आ जाती है तब यहां पर आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहां पर अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवा लिए 10 लाख से ज्यादा की और बैंक ने अगर आपकी रिपोर्टिंग कर दी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सबसे पहले जैसे ही उनको यहां पर जानकारी मिलती है कि आपने यहां पर फिक्स डिपॉजिट करवाई है, हाई वैल्यू की अगर फिक्स डिपॉजिट करवाई है, यानी 10 लाख से ज्यादा की अगर फिक्स डिपॉजिट जैसे ही आपने करवाई है, आपके पिछले सालों की इनकम टैक्स रिटर्न वो पहले चेक करते हैं। तो यहां पर 3 से 4 साल की पहले की रिटर्न चेक करेंगे कि यहां पर जो भी आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है, जो भी यहां पर जो सोर्स ऑफ इनकम है, क्या आपकी इनकम जो है वो यहां पर आपने दिखाई है या नहीं दिखाई है। दोस्तों अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न से ऐसा जाहिर नहीं होता कि यहां पर जितनी भी आपकी इनकम है जिसके सामने आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई अगर वो मैच नहीं होती है, तब तो यहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न को देखकर यहां पर ये एनालाइज कर लेता है कि यहां पर जो फिक्स डिपॉजिट करवाई है और आपने जो रिटर्न भरी है वो यहां पर सही है, तो आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगी, भले यहां पर बैंक क्यों यहां पर रिपोर्टिंग नहीं कर देती। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर नोटिस आती है तो आपको डरना नहीं है। अगर यहां पर आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सही है, यानी जहां से आपने एफडी करवाई है, चाहे आपने कैश में करवाई हो, चाहे आपने किसी भी बैंकिंग मोड से करवाई हो, यहां पर आपका प्रॉपर सोर्स है, यानी जेन्युइन इनकम है जिस पर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करके रखे हैं और उस सोर्स पे आपने ऑलरेडी टैक्स पे करके रखा है, जिसकी जो सेविंग्स है उसके वजह से आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, जो यहां पर प्रॉपर सोर्स नहीं होता है, कैश पड़ा हुआ होता है और कैश में सीधे उठाकर जो बैंक में रख देते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, दोस्तों उन लोगों के लिए यहां पर दिक्कत हो सकती है। उन लोगों को अगर नोटिस आती है तो उन लोगों को यहां पर पेनल्टी भी लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न आप जेन्युइनली सभी फाइल करें। ऐसा ना हो कि आप इनकम टैक्स रिटर्न तो 2 लाख रुपए की फाइल करते हैं लेकिन आपने एफडी यहां पर 20 लाख की कर दी, 30 लाख की कर दी, तो यहां पर जो मिसमैच हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मैच होनी चाहिए, कि यहां पर जो भी आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, जो भी आप इनकम दिखा रहे हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में पिछले सालों के अंदर, जिस वजह से यहां पर आपकी इनकम जो है एक्युमुलेट हुई है, जनरेट होकर आ गई है इतनी, जिस वजह से आपने फिक्स डिपॉजिट करी है, तो ये सभी चीजें मैच होनी चाहिए और यहां पर प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। प्रॉपर सोर्स नहीं होगा तो यहां पर आपको दिक्कत आएगी आएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर फिक्स डिपॉजिट का अगर नोटिस भी आ जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रखे, प्रॉपर सोर्स अगर आपके पास है जिससे आपने फिक्स डिपॉजिट खुलवाई है, जिस वजह से यहां पर आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए अब यहां पर बात कर लेते हैं, क्या कोई डिडक्शन, क्या कोई छूट यहां पर आपको मिलेगी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। तो दोस्तों यहां पर सेक्शन 80C के तहत अगर आप एक साल के अंदर यहां पर 5 साल
साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। लेकिन दोस्तों ये छूट आपको तभी मिलेगी जब यहां पर जो आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, और सिर्फ 1.5 लाख तक ही छूट मिलेगी। यानी अगर आपने यहां पर 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवाई, 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवाई, तो यहां पर सिर्फ आपको 1.5 लाख तक की ही छूट मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एफडी रिन्यू हो रही है तो उस केस में कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी उस साल। अगर आपने कोई नई एफडी नहीं करी है तो रिन्यू अगर और एफडी अगर है तो उस केस में कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। 5 साल की आप टर्म डिपॉजिट यहां पर आप करवाते हैं तो यहां पर 1.5 लाख तक का आपको यहां पर डिडक्शन आपकी इनकम में से यहां पर आपको दे दिया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं, यहां पर जो भी ब्याज की इनकम आपको आती है फिक्स डिपॉजिट से, तो उस पर कैसे यहां पर आप टैक्स जो है वो बचा सकते हैं, तो दोस्तों आइए इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट से ब्याज आ रहा है तो बैंक जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं यानी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 40,000 तक कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 की लिमिट रखी गई है। तो यहां पर 40,000 और 50,000 तक बैंक जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। फिलहाल जो रेट चल रही है यहां पर इंटरेस्ट की, वो 7% तक चल रही है। यानी अगर आपने 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवाई है, 7% के हिसाब से 70,000 आपका ब्याज निकल के आता है, तो उस केस में यहां पर 40,000 और 50,000 से ज्यादा का आपका यहां पर जो टैक्स निकल के, जो इनकम निकल के आती है, उस पर आपको टैक्स यानी टीडीएस देना पड़ जाएगा। तो बैंक यहां पर आपका 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने पैन कार्ड अगर नहीं दिया तो बैंक उस केस में 20% तक का भी टीडीएस चार्ज कर सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर 40,000 या 50,000 से ज्यादा का अगर ब्याज अगर आपका होता है किसी भी एक बैंक के अंदर, तो यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो इसके बचने के लिए यहां पर जो है आप अलग अलग बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहां पर कितनी फिक्स डिपॉजिट करें, तो 7% के हिसाब से यहां पर आप अगर सीनियर सिटीजन है तो 7 लाख तक की एफडी कर सकते हैं किसी भी बैंक के अंदर, और अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 5.5 लाख तक की एफडी कर सकते हैं। तो यहां पर अलग अलग बैंकों के अंदर आप 5 लाख या 7 लाख तक की अगर एफडी करते हैं तो यहां पर अगर आपका ब्याज जो है वो 40,000 50,000 से कम होता है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और अगर किसी बैंक ने टीडीएस डिडक्ट कर भी लिया तो यहां पर आप फॉर्म 15G और 15H यहां पर जमा करवा सकते हैं। फॉर्म 15G जनरल के लिए है, फॉर्म 15H यहां पर सीनियर सिटीजन के लिए है, जिसके अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हैं बैंक को, ये कह सकते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, भले ही आपका ब्याज 40,000 50,000 से ज्यादा क्यों ना हो, तो यहां पर जो बैंक है वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। लेकिन आपको यहां पर फॉर्म 15G और H सबमिट करना रहेगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर सेक्शन 80TTB के तहत जो सीनियर सिटीजन है, जिन्हें यहां पर 50,000 तक की छूट मिलती है इनकम टैक्स के अंदर, इंटरेस्ट इनकम के अंदर, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट से हो या फिर सेविंग बैंक अकाउंट से क्यों ना हो, तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप टीडीएस से बचना चाहते हैं तो अलग अलग बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाइए, ताकि आपका ब्याज यहां पर 40,000 या 50,000 से ज्यादा ना आए। 40,000 हमने ऑलरेडी आपको बता दिया जनरल के लिए, और 50,000 रुपए यहां पर आपके लिए सीनियर सिटीजन के लिए होने वाला है। तो यहां पर अलग अलग बैंक या पोस्ट ऑफिस में अगर आप करते हैं 5 लाख या 7 लाख की एफडी करते हैं, जिससे यहां पर आप जो है ब्याज की टैक्स से बच सकते हैं, टीडीएस आपका नहीं कटेगा। एंड अगर आपका टीडीएस अगर कट भी जाता है, किसी केस के अंदर बैंक काट भी लेती है, तो उस केस में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके भी उसका रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं आरबीआई द्वारा क्या नियमों में चेंज किया गया है फिक्स डिपॉजिट को लेकर। तो यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट अगर आपकी मैच्योर हो जाती है, और मैच्योरिटी के बाद आपका जो पैसा पड़ा हुआ रहता है, जिस पर अब आपको फिक्स डिपॉजिट का ब्याज नहीं दिया जाएगा, दोस्तों यहां पर सिर्फ आपको सेविंग बैंक अकाउंट का ही ब्याज दिया जाएगा, जो यहां पर नॉर्मली 3-4% तक का होता है। जहां पर आप फिक्स डिपॉजिट का ब्याज देखेंगे तो 7% तक का रखा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपके फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाती है, आपने 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाई, 2 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाई, अब मैच्योर हो गई है और आपने मैच्योरिटी को या रिन्यू नहीं करवाया है, या फिर फिक्स डिपॉजिट का यहां पर जो पैसा क्लेम नहीं किया है, तो जितने महीनों के लिए यहां पर फिक्स डिपॉजिट आपकी पड़ी रहेगी, वहां पर आपको सिर्फ सेविंग बैंक का ही ब्याज दिया जाता है। दोस्तों ये पहले जो थी वो यहां पर नियमों में, पहले इससे बदलाव से पहले यहां पर जो बैंक खुद ही आपका ऑटो रिन्यू करवा देती थी, या फिर आपको फिक्स डिपॉजिट का ब्याज दिया जाता था अगर आपकी मैच्योरिटी हो जाती थी तो। लेकिन अब आरबीआई ने यहां पर साफ साफ कह दिया है कि जिन लोगों की फिक्स डिपॉजिट है मैच्योरिटी हो जाएगी, जो अमाउंट क्लेम नहीं करेंगे, उनको सिर्फ सेविंग बैंक का ही ब्याज दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाती है और आप किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और आपको पता नहीं रहता कि यहां पर आपकी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गई है, तो यहां पर उसको पैसे को क्लेम जरूर कर लीजिए, अदरवाइज आपको यहां पर 3-4% तक का ब्याज का नुकसान हो सकता है।
दोस्तों इसी के साथ सरकार द्वारा यहां पर अगर आप कैश में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहां पर 20 लाख से ज्यादा का अगर फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तो यहां पर पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके लिए जरूरी होगा। तो 31 मार्च से पहले अगर आपने पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया तो यहां पर आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, जिसके तहत आप कैश में फिक्स डिपॉजिट 20 लाख से यहां पर ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर बैंक में पोस्ट ऑफिस में अगर आप 20 लाख से ज्यादा के फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तो यहां पर जो है आपको पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड सभी जानकारी देने की आपको कोशिश करी है। तो यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बैंक के अंदर करते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर करते हैं, तो यहां पर सभी लिमिट्स के बारे में, आपके टैक्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करी है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।